काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन धन विशेष की औरतों ने कौशाम्बी पुलिस के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाकर गांव में रहने से मना कर दिया। गांव से पलायन करने वाली महिलाओं का आरोप है कि कौशाम्बी पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर सराय अकील की पुलिस रोज रात उनके घरों में छापे मार कर औरतों और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, जबकि पुलिस उनके आदमियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ये वीडियो देख के मेरा तो दिल दहल गया। काश मेरा घर यूपी में होता, मैं इन सबको अपने घर में रख लेता। इस तरह का जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, सिर्फ एक ही तबके के लोगों पे ये जुल्म हो रहा है, और बाकी के 32 करोड़ मुसलमान सिर्फ घर में मजे ले रहे, निहारी खा रहे, पाए खा रहे, टिक्के खा रहे, व्हाट्सएप देख रहे, फेसबुक देख रहे, म्यूजिकली बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे, ना जुम्मा की नमाज में मस्जिदों में भीड़ है, ना जुम्मा की सुबह की नमाज में, ना फज्र की नमाज में, ना ईशा की नमाज में मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। ये औरतें जो रो रही है, ये हमारी मां और हमारी बहनें हैं। हमसे अल्लाह ताला इसका हिसाब मांगेगा, पूछेगा अल्लाह ताला हमसे कि तुमने क्या किया जब इन लोगों पे जुल्म हो रहा था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तो हम कहेंगे कि हम व्हाट्सएप पे बिजी थे, हम फेसबुक पे बिजी थे, हम यहां वहां घूम रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, टिक्के खा रहे थे, पाए खा रहे थे, कलेजी खा रहे थे, सिर्फ अपने घर को बचा रहे थे। बाकी आज ये लोग को गांव से निकाला जा रहा है, कल हमों को घर से निकाला जाएगा। और इसके लिए मैं मेरे सिर्फ मुसलमान भाई नहीं, मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जितने भी मेरे भाई है, मैं सबसे कह रहा हूं कि ये जुल्म ठीक है क्या? योगी सरकार, ये इंडिया के विंड डीजल का ये जुल्म ठीक है क्या? इस तरह से लोगों को अपने घरों से निकाला, बूढ़ी औरतें रो रही हैं, 71 मुसलमान के बच्चों को जेल में डाल के उनको इतने धाराएं लगाई गई है, उनको अब इसमें से कुछ 10-15 को आतंकवादी ठहरा देंगे और उनको भी डाल देंगे, 71 लोगों को। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? बस चुपचाप देखते रहिए तमाशा। बस मैंने अपना काम किया, जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपना काम किया, मैंने आवाज उठाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वो योगी आदित्यनाथ इंडिया के विंड डीजल के पेज पे जाके कमेंट करिए, ताकि योगी पुलिस और योगी सरकार की आंखें खुले, और नरेंद्र मोदी को भी टैग करिए, और ये वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और पता चले। और मैंने ये इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मेरा जमीर वो वीडियो देख के जाग गया, जब उनको रोते हुए देखा तो मुझे उसमें मेरी मां मेरी बहन नजर आई। मेरे यारों मेरे प्यारों, अब क्या है, इंटरटेनमेंट से बाहर आना पड़ेगा यार, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, वरना कुर्बानी अल्लाह ताला बड़ी वाली मांगेंगे, और फिर समझ लेना कि पछताओगे, क्योंकि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप म्यूजिकली पे बिजी है और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आरएसएस वाले, हाँ बजरंग दल वाले, इनको अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, याद रखना, बस याद रखना इस बात को। फिर मत कहना कि हम बड़े के पाए और कलेजी और मटन खाने में बिजी थे और बाकी का काम हो गया। इस किस्म के जुल्म सब पे हो रहे यूपी में, और यूपी के सारे मुसलमान चुप है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान चुप है, और
मुसलमान होना कोई जुल्म नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। जब तक हम डर के बैठेंगे 32 करोड़ बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये जुल्म होता रहेगा, याद रखना। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना और उन लोगों के लिए दुआ करना। और यूपी के जितने मुसलमान हैं उनको अपने यहां बुला लो, उनका सपोर्ट करो। अगर मैं यूपी में होता मैं ये काम पहले करता, प्लीज अल्लाह के वास्ते।